से राय लेना चाहेंगे सोने चांदी पर? क्या करें, आज हम देख रहे हैं कि बेहद ही सपाट, वैसे तो कमोडिटी में ज्यादा कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यूएस मार्केट से संकेत नहीं है, बॉन्ड यील्ड्स डॉलर में भी सपाट कारोबार ही हो रहा है, तो ऐसे में कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें, किन लेवल्स को वॉच करेंगे और आगे के क्या बड़े इवेंट्स हैं जिस पर कि आपकी नज़र है जो कि सोने चांदी में इम्पैक्ट डाल सकती है? सर मैडम, शो पर शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सोने चांदी की बात करेंगे तो सबसे पहले सोने के ट्रेंड की बात करेंगे तो सोने और चांदी दोनों के बाजार के ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करनी चाहिए और यहाँ से सोना मुझे लगता है कि एक बार अपसाइड में इंटरनेशनल बाजार में देखेंगे तो 2040 और 2065 डॉलर तक दिखता है। वहीं यहाँ एमसीएक्स की बात करें तो सोना मुझे 61,500 से लेकर 61,900 तक के भाव देते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में मुझे उम्मीद है कि चांदी 73,500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा बाजार तो इसमें भी एक बड़ी रैली मुझे आते हुए समझ आती है जिसमें तकरीबन 4 से 5 हजार पॉइंट की तेजी आगे पोजिशनली आनी चाहिए। और सोना चांदी 72,500 के नीचे अभी जाना मुश्किल है। ठीक है, तो यह है सोने चांदी में ट्रेडिंग की रणनीति आपको सुझाई। अमित, अब आपसे भी समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी को लेकर। अगर इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो फिर किन लेवल्स को वॉच करना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फिलहाल तो रुझान अपसाइड बना हुआ है। हालांकि हम देख रहे हैं कि 2010 डॉलर के ऊपर स्ट्रगल हो रही है स्पॉट गोल्ड में, लेकिन क्योंकि आज वॉल्यूम की कमी होगी तो एक दायरे में ही कारोबार रहेगा और हम ना ज्यादा डाउनसाइड ब्रेक देख पाएंगे ना 2010 के ऊपर जाता हुआ देखेंगे स्पॉट गोल्ड को। तो इसी दायरे में मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इस वजह से फिलहाल मैं समझता हूँ कि 61,000 के करीब अगर गोल्ड मिलता है तो बाइंग की जा सकती है और जो ऊपरी स्तर है, जो ऊपरी दायरा है उसको टेस्ट कर सकता है 61,350 से 400 के बीच। एक एक लिमिटेड रेंज रहेगी बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम से न्यूएस, क्योंकि वहां अर्ली क्लोजिंग है। सिमिलरली चांदी की भी बात करें तो एक दायरे में ही कारोबार होगा। 72,500-600 एक अच्छा सपोर्ट जोन है शॉर्ट टर्म बेसिस। मैं समझता हूँ उसके नीचे प्राइसेस जाते हुए नहीं दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। 73,500 वंस अगेन जैसे भूपेश जी ने बताया एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबल बेसिस हमें ट्रेड देखने मिलता है तो ही एक्सटेंडेड तेजी दिखेगी, वरना इमिजिएट बेसिस पे 73,500 का ही लक्ष्य लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही एक्सपर्ट की सलाह, दायरे में ही अभी फिलहाल कुछ समय के लिए टिका रहेगा सोने चांदी, दोनों में ही ये सलाह दी जा रही है। सोने में अगर आपको ट्रेड करना है तो 61,300 के लक्ष्य पर नजर रखिए, स्टॉप लॉस होगा 60,700 का। और सिल्वर में भी खरीदारी करने की ही सलाह है, 73,500 के लेवल्स है, स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए इस मार्केट में क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, फिलहाल ऐसे ही दायरे में रेंज होता हुआ दिखाई देगा, तो स्टॉप लॉस का अपने ध्यान जरूर रखिए। तरुण जी, अब आपसे समझना चाहेंगे आप कहाँ कैसे ट्रेड देख रहे हैं सोने चांदी पर? हाय मॉर्निंग। आई एम बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। मुझे लगता है कि गोल्ड इज मोर अट्रैक्टिव देन सिल्वर एंड विच वी हैव रिसेंटली सीन। आई थिंक फेड के मिनट के बाद में ये प्रीटी मच क्लियर है कि फर्दर रेट हाइक अभी नियर टर्म में नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी हैव सीन करेक्शन इन डॉलर इंडेक्स विच इज एक्चुअली पॉजिटिवली सपोर्टिंग द प्राइसेज ऑफ गोल्ड। तो हमें लगता है कि आउटलुक पॉजिटिव है आने वाले मंथ्स के अंदर। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ तो प्रॉब्ली 2150-2200 तक कॉमेक्स में प्राइस जा सकते हैं एंड इवन इवन ट्रेंड विल रिमेन पॉजिटिव इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत दिखाई दे रहा है, फेयर मिनट से कहीं ना कहीं अंदाज़ा भी लग रहा है कि ब्याज दरों में जल्द ही कटौती की शुरुआत तो नहीं होगी लेकिन एक सीमित इन्हीं लेवल्स के आसपास ही फेड रेट अपने होल्ड करते हुए नज़र आएगा। उसके चलते सोने पर एक बुलिश नज़रिया तीनों ही एक्सपर्ट्स का और फिलहाल तेज़ी करने की राय।